गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे अबाउट डिस्कस क्लास फोर्थ ईवीएस बैक क्लासेस टू रिवाइज द जर्नी ऑफ फूड चैप्टर 10 हाउ डज फूड रीच अवर टेबल्स देन कैलकुलेशंस एंड एक्सप्लेन द चैप्टर्स। तो आज बात हम करेंगे कि द जर्नी ऑफ फूड्स की जो चैप्टर्स हैं कैसे कैसे पढ़ाए गए हैं, क्या क्या बताए गए हैं, कि भोजन हमारी मेज तक कैसे पहुंचती है, इसके बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस किया कि एक फार्मर्स होते हैं भोजन को कैसे प्राप्त करते हैं, फसल कैसे उगाते हैं, बीज को कैसे बोया जाता है, जो भूमि रहती है सॉइल को कैसे मुलायम किया जाता है, इसके बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ पिछली दो क्लासेस में। तो आज बात करेंगे हम पल्स के बारे में बात करेंगे, फ्रूट्स ऑफ वेजिटेबल्स के बारे में बात करेंगे, नट्स के बारे में बात करेंगे, ऑयल सीड के बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले कुछ फन टाइम्स है जो पिछली क्लासेस में मैं आप लोगों को बताया था, आप लोगों को कुछ याद होगा, मैं रिवाइज के तौर पर फिर से बता रहा हूँ। चलिए देखिएगा, नेम फाइव फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दैट गेट स्पॉइल्ड क्विकली एंड ऑफ फाइव देन कैन स्टे एंड सम डेज। यहाँ पर बताया गया है कि जो वेजिटेबल्स होते हैं, जो फ्रूट्स होते हैं, स्पॉइल्स क्विकली, जो कि फास्ट ख़राब हो जाते हैं, बहुत तेज़ी से बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, कुछ फ्रूट्स एंड कुछ वेजिटेबल्स, उनके फाइव नाम लिखना है आप लोगों को। फ्रूट एंड वेजिटेबल दैट द कैन स्टे फ्रॉम सम डेज, कुछ ऐसे फ्रूट्स के नाम लिखना है और कुछ ऐसे वेजिटेबल्स के नाम लिखना है जो कि सम डे, कुछ समय के लिए क्या रहती हैं, अच्छी रहती हैं। मनी पीपुल लाइक द फार्मर्स गरेंडेंस एंड ट्रांसपोर्ट वर्कर वर्क डे एंड नाइट टू द मैक फूड अवेलेबल टू अस, वी शुड बी द ग्रेटफुल ऑफ द देम। दादी यहाँ पर कहना चाह रही है कुछ फार्मर्स ऐसे होते हैं, कुछ किसान ऐसे होते हैं जो ट्रांसपोर्टर्स के माध्यम से, ट्रांसपोर्ट के माध्यम से अपने वर्क को दिन रात मेहनत करते हैं, अपने वर्क के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और हम लोगों के लिए भोजन उगाते हैं, राइस पैदा करते हैं। वी सोल्ड अवी द ग्रेटफुल ऑफ टू द एम, उनके लिए सदा हम क्या रहेंगे, आभारी रहेंगे। फ्रॉम फार्म टू मंडी, उसके बाद मैंने आप लोगों से चर्चा किया था फ्रॉम फार्म टू मंडी की, खेत से मंडी तक कैसे पहुंचाया जाता है। द पैकेट फूड ऑफ द ट्रांसपोर्ट टू द ऑल सेल्स, जो ऑल सेल होते हैं मार्केट कॉमनली कॉल्ड द मंडी टू सेलिंग, इट इज़ द ट्रांसपोर्ट बाय द कार्स एंड ट्रक एंड ट्रैक्टर एंड ट्रेन्स, कुछ ऐसे ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, कुछ ट्रैक्टर के माध्यम से क्या किया जाता है, मंडी तक पहुंचाया जाता है किसको, कुछ राइस होते हैं, कुछ वेट्स होते हैं, कुछ मैज होते हैं एंड कुछ वेट्स होते हैं, उनको खेतों से मंडी तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट का उपयोग किया जाता है जिसे हम मंडी के नाम से जानते हैं, एंड ट्रक एंड ट्रैक्टर एंड ट्रेन के माध्यम से उनको मंडी तक उपलब्ध किया जाता है। ग्रेन्स मर्चेंट एंड द फ्रूट एंड द वेजिटेबल सेलर फ्रॉम द टाउन एंड सिटी कैम थ्रू मंडी एंड बाय द प्रोडक्ट्स टू बुल्स, दे कैरी देम द एरियाज एरिया एंड सेल्स टू देम रिलेट, देन वी बाई दीज फूड आइटम्स टू लोकल मार्केट। ग्रैंड मर्चेंट्स जो कि एक व्यापारी होते हैं, कुछ फ्रूट्स को, कुछ वेजिटेबल्स को थोक के भाव से क्या करते हैं, मंडी से लाते हैं, मंडी से लाने के बाद उन्हें लोकल मार्केट जो होते हैं, लोकल मार्केटों में क्या किया जाता है, उनको खुरदुरा भाव में क्या कहते हैं, बेच देते हैं और पैसा कमाते हैं। We have the learn about the journey food of the them of the our tables। ये क्या कहती हैं, हमने आए
कुछ भोजन की यात्राएं के बारे में जो कि मेस तक पहुंचाने के बारे में हम लोग आपसे डिस्कस किया। लेट्स नाउ रीड, अब हम बात करेंगे अबाउट ऑफ द वैरायटी ऑफ द फूड ऑफ द ओरिएंटेड ऑफ द प्लांट्स। कुछ ऐसे पौधों के बारे में बात करेंगे जिससे हम अलग अलग वैरायटी के क्या करते हैं, फसल पैदा करते हैं। जैसे बात किया गया है कि सम पीपुल यूज ऑफ द एनवायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर स्मैक ऑफ द मोर मनी डिस्कस हाउ पीपुल कैन द कैरेक्टर एंड सजेस्ट वे इज द दे कैन द अवॉइड ऑफ द ट्रेड्स। कि कुछ ऐसे लोग होते हैं अनफायरमेंट्स जो कस्टमर से क्या करते हैं, चीट करते हैं, कस्टमर को चीट करने का काम करते हैं, उनसे ज़्यादा पैसा लेते हैं, मोर मनी ज़्यादा पैसा लेते हैं। तो इसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे कि कैसे उस चीज़ को रोका जाए, उसके बारे में आप हमें सजेशन देंगे। यहाँ पर दादी कह रही है कैरल्स के बारे में, कुछ अनाज के बारे में मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था कि जो गैरेंस होते हैं, अनाजें होती हैं, वो पौधों से क्या होती हैं, विकसित होती हैं। कुछ वेट्स, कुछ राइस, कुछ मैट्स, कुछ मिटल्स एंड सम कैरल्स, कुछ अनाजें ऐसी होती हैं जो कि हमें मोस्ट पीपल ऑफ द वर्ल्ड फूड के लिए, खाने के लिए क्या करती हैं, उपलब्ध करवाती हैं हमारी इंडिया में खाने के लिए। स्टेप डाई द मोस्ट पीपल, लोगों के लिए खाना उपलब्ध करवाती हैं। इट इज़ द ईटन्स वैरायटी ऑफ द फॉर्म, इसे विविध प्रकार के रूप में यूज़ किया जाता है। सम ग्रेन्स लाइक द क्वैट्स एंड द कॉर्न फ्लैक्स एंड द एटन एंड द ब्रेकफास्ट एंड द सर्टनली। कुछ ऐसे भोजन होते हैं, कुछ ऐसे अनाज होते हैं जिसे हम ब्रेकफास्ट के रूप में, कॉर्न फ्लैक्स के रूप में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो मैंने आप लोगों को इसके बारे में क्लास में डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट क्लासेस देखेंगे, पेज नंबर 55, साइना वांट्स टू नो, पेज नंबर 55 देखेंगे। सबसे टॉप में आप देखेंगे कि साइना वांट्स टू नो नेम एनी टू प्लांट्स एंड इंडिया वेयर द फ्लोइंग कैरल्स ऑफ द ग्रो। यहाँ पर आप लोगों को दो ऐसे नाम बताएंगे, इंडिया के दो ऐसे प्लेस, स्थान के नाम बताएंगे जहाँ पर वीट, मैस एंड राइस को उगाया जाता है, ग्रोथ किया जाता है। वेट्स गेहूँ, मैस मक्का एंड राइस चावल, तो आप दो कॉलम दिए हुए हैं, दोनों में अपना अपना सजेशन देंगे और नाम लिखेंगे वहाँ पर कि वेट कहाँ पर इंडिया के कौन से स्थान में उगाया जाता है एंड मैस एंड राइस नीचे दिए हुए हैं। पल्स के बारे में बात करते हैं, दालों क्या होती है। पल्स आर द ड्राई एंड द सीड्स ऑफ द सर्टेन प्लांट्स, कुछ पौधे के सूखे बीज होते हैं, दालें जो होती हैं कुछ पौधे के क्या होते हैं, सूखे बीज होती हैं। दिस आर द राइज द प्रोटीन ऑफ द हेल्प अवर बॉडी टू ग्रोथ, इनसे हमें बहुत सारी प्रोटीन्स मिलती हैं और हमारे बॉडीज़ को, हमारे शरीर को बढ़ाने के लिए लाभदायक प्रदान करती हैं, बहुत ही हेल्पफुल होती हैं हमारे शरीर के लिए। जैसे उड़द, राजमा, मूंग एंड चना आर द पल्स, सभी दालें हैं, उड़द हैं, राजमा हैं, मूंग हैं एंड चना दाल हैं, ये क्या है, सभी प्रोटीन से भरपूर होते हैं और हमारे शरीर को लाभदायक प्रदान करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं प्रोटीन के लिए। नीचे देखिएगा, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के बारे में बताया गया है, कुछ फल्स एंड सब्जियां के बारे में बताया गया है कि कुछ फल्स क्या होते हैं एंड सब्जी क्या होते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और फ्यूल ऑफ द विटामिन्स, मिनरल्स एंड अदर न्यूट्रल्स, जो फल्स होते हैं एंड वेजिटेबल्स जो होते हैं उनसे भी हमें बहुत सारे विटामिन्स मिलते हैं, बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं एंड बहुत सारे पोषण तत्व प्राप्त होते हैं। दे आर द प्रोटेक्टिविटी फूड्स, ये हमारी सुरक्षात्मक के लिए होते हैं। प्लांट्स कीप द वैरायटी ऑफ द फ्रूट्स, द एप्पल्स, पियर्स, ग्वावास, ग्रेप्स एंड पपाया, जिससे हमें बहुत सारे प्रोटीन्स प्राप्त होते हैं। कुछ फल्स ऐसे होते हैं जैसे सेब हो गया एंड पियर्स, नाशपत्ती हो गया, ग्वावास एंड अमरूद हो गए, ग्रेप्स अंगूर एंड पपाया पपीता। सम पॉपुलर वेजिटेबल्स,
कुछ वेजिटेबल ऐसे प्रसिद्ध हैं जैसे पोटैटो, कॉलीफ्लावर्स एंड कैबेज, टोमेटो एंड ऑइंस ऑनियंस, आलू हो गया, फूल गोभी हो गया, गोभी हो गया एंड टोमेटो टमाटर्स एंड ऑनियंस प्याज। ये होते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो कि हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं, प्रोटीन से भी भरपूर होते हैं। मैंने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के बारे में बताया, पल्स के बारे में बताया। उसके नीचे में दिया हुआ है देखिए नट्स, कुछ ऐसी बादाम क्षेत्र के बारे में दिए हैं, कुछ ऐसे बीज के बारे में दिए हुए हैं कि नट्स लाइक द ग्रैंडन्स एंड द कॉस नट्स एंड ऑलमोट्स एंड द वाइंडेट्स एंड द ऑबिडेंटेड फ्रॉम द प्लांट्स, दे आर रिच ऑफ द ऑयल एंड मिनरल्स। कुछ ऐसे नट्स होते हैं जैसे मूंगफली एंड कॉसेस, काजू एंड ऑलमोट्स, बादाम, ऑन्स एंड द ऑबिडेंटेंस जो कि पौधों से प्राप्त होते हैं, अखरूट पौधों से प्राप्त होते हैं, दे आर द रेस एंड द ऑयल एंड द मिनरल्स। इनसे हमें क्या प्राप्त होती हैं, ऑयल भी प्राप्त होती हैं। ऑयल कैसे कैसे प्राप्त होती हैं, ऑयल सीड दिए हुए हैं नीचे पैराग्राफ में, ऑयल सीड के बारे में बताया गया है, तिलहन के बारे में बताया गया है। ऑयल इज अ सम ऑन द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंटीग्रेटेड ऑफ द कुकिंग। ऐसे ऑयल्स होती हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं जो कि खाना बनाने में लाभदायक होती हैं, लाभदायक प्रदान करती हैं, कुकिंग के लिए होती हैं। ऑयल इन द एक्सटेंडेड बाई द क्रशिंग एंड सीड ऑफ द सम प्लांट। कुछ ऐसे पौधे के बीज होते हैं जिन्हें हम कुचल कर ऑयल्स निकालते हैं जैसे ग्रैंडनट्स, मस्टर्ड, सनफ्लावर, सोयाबीन्स एंड कोकोनट राइस ब्रैन ऑफ द सम कॉमनली यूज्ड ऑफ द ऑयल। ऐसे जैसे कोकोनट्स जो होते हैं, नारियल्स के होते हैं, कुछ राइस के भूसे होते हैं जिन्हें कुछ क्षेत्रों में ऑयल्स निकाले जाते हैं, जैसे मूंगफली होते हैं, मस्टर्ड, सरसों होते हैं, सनफ्लावर, सूरजमुखी होते हैं एंड सोयाबीन, जिससे हम क्या करते हैं, ऑयल्स निकालने का क्या करते हैं, काम करते हैं। एग्जाम्पल थ्रू बताया गया है कॉस नट्स, ऑलमोट्स एंड ग्राउंड नट्स, आप देख सकते हैं बुक्स में, तो बुक्स को अच्छे से देखिएगा और एक एक पैराग्राफ को देखिएगा। जब भी बुक्स वीडियो देखेंगे बुक्स को ओपन कीजिएगा, पेजेस पलटेंगे, पेज नंबर 56 में देखेंगे स्पाइस के बारे में दिया हुआ है, मसाला के बारे में दिया हुआ है कि स्पाइस क्या होते हैं। स्पाइस एंड फ्लावर्स ऑन द टेस्ट ऑफ टू द फूड, जो मसाले होते हैं स्वाद और स्वाद के लिए होते हैं, स्वाद और स्वाद के लिए जोड़े जाते हैं। दे कैम फ्रॉम द फ्लावर्स फ्रूट एंड द बार्क एंड सीड एंड द रूट्स अंडर सम प्लांट्स। जो मसाले होते हैं कुछ फ्लावर से प्राप्त होते हैं, कुछ फ्रूट से प्राप्त होते हैं, कुछ छाल से प्राप्त होते हैं जैसे बार्क दिया हुआ है एंड सीड्स कुछ बीज से प्राप्त होते हैं एंड रूट्स ऑफ सम प्लांट कुछ पौधे से जड़ों से भी क्या होती हैं, मसाले प्राप्त होती हैं। तो मैंने आप लोग को स्पाइस के बारे में बताया, मसाला के बारे में बताए, नट्स के बारे में बताया एंड कुछ ऑयल सीड के बारे में बताया, कुछ पल्स के बारे में बताया। तो आप लोग अच्छे से स्टडी कीजिएगा और अच्छे से मार्क्स लाइए, अच्छे से पढ़ के। नेक्स्ट क्लासेस में मैं आप लोग को एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा, कुछ फन टाइम्स दिए हुए हैं, फन टाइम्स के बारे में भी हम नेक्स्ट क्लासेस में चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट क्लासेस में मिलेंगे, एक्सरसाइज देखेंगे और अच्छे से आप लोग भी एक्सरसाइज को करके आइएगा। बाय बेटा।